वो तो चला गया तेल लेने के लिए, वो आएगा नहीं दोबारा कभी जिंदगी में। क्या तो काम कर रहे हैं, काम उसको कुछ पता ही नहीं है, क्या किया इसको पता कुछ नहीं है। आपको इमाम साहब क्या, बहुत कुछ किया है अभी तो, क्या काम पता नहीं। आपको एमपी बनाए नहीं ना, बनेगा एमआईएम जीतेगी, क्योंकि ये जो है सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, पिछड़ा दलित जितने भी कमजोर हैं लोग, वो सबके साथ सबका विकास करेंगे। ये यहाँ के आवाम को कुछ नहीं पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ रोजी रोजगार मिले तो सबसे बेहतर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अख्तरुल ईमान, उनके लिए दोबारा कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव वो लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद जीत गए थे लेकिन इस बार फिर से जो चुनावी रण है उसमें सब लोग घूम रहे हैं। देखिए उसी जगह पर है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम हो रहा है, क्या माहौल है चाचा यहां? बहुत बेहतर माहौल है इसके लिए, असद साहब के लिए, अख्तरुल ईमान साहब के लिए। अच्छा, यहां के जो मौजूदा विधायक है वो तो चले गए उधर, उसका भी कुछ फर्क पड़ रहा है? वो तो चला गया तेल लेने के लिए, गया हो और आएगा नहीं दोबारा हो कभी जिंदगी में। लोकसभा में दो और कैंडिडेट है, जावेद और मास्टर मुजाहिद, उन लोगों का नहीं कर सकते भैया, नहीं सुलेमान की स्थिति में बिल्कुल बिल्कुल भैया है। नौजवान हो, क्या माहौल है? इंशाल्लाह काम एमआईएम जीतेगी यहां से, पूरा बढ़िया माहौल है भैया जी। इस बार बहुमत से जीत होगी इंशाल्लाह इसका, एमआईएम पार्टी का, क्योंकि ये जो है सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, पिछड़ा दलित जितने भी कमजोर हैं लोग, वो सबके साथ सबका विकास करेंगे ये। और ये क्या कहते हैं, सांसद से लेकर लोकसभा से लेकर जितना भी है, ये हर एक कानून का जो अभी हम लोग जानकारी मिल रहा है, जिस कोई भी कानून सदन में पास हो रहा है, तो आज से पहले यहाँ के आवाम को कुछ नहीं पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब से ये ओवैसी साहब आए हैं, एक जर्रा बराबर भी कोई भी कानून पास हो रहा है तो सबसे पहले आवाम को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, मालूम हो रहा है, इससे लोग जागरूकता हो रहे हैं और कामयाबी मतलब मिल रहा है इसमें। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, पतंग छाप के उड़ जाएगी, पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह इस बार। पतंग जी नहीं, हमारा जो हिंदुस्तान है एक सेकुलर कंट्री, यहाँ हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है ना, ये फूल के बागीचे के मानिंद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके फूल है। वो अगर एक ही कौम को लेकर सिर्फ चलने की बात करता है तो वो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हमारा जो सोच है, आज हम अगर 1 रुपए का माचिस भी ले रहे हैं तो उसमें से 1 रुपए में 18 पैसा हम सरकार को जीएसटी टैक्स भर रहे हैं। अच्छा यार माहौल बताओ, यहाँ का इतना जानते हैं भाई, माहौल बता रहे जीतेगा ही, बताओ साहब साहब माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? हाथ छाप निकले, हाथ छाप क्या, ये पतंग छाप जीतेगा, अख्तरुल ईमान जीतेगा। माहौल बढ़िया है, माहौल बहुत बढ़िया है इस बार। नहीं कांग्रेस को हमारे बाप दादा परदादा भी वोट दिया उन लोगों को, ठीक है, लेकिन हम लोगों किशनगंज के लिए कुछ नहीं किया। एक एमएमयू किशनगंज के लिए सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ दिया, आज तक उसका फंड रेज नहीं कर पाया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो युवा साथी है यहाँ पढ़े लिखे, यहाँ रोजी रोजगार मिले तो सबसे बेहतर है। बहुत बढ़िया है माहौल, क्या लग रहा है? अच्छा माहौल क्या है यहाँ? हम लोग चावल नहीं है, ठीक है सॉरी। माहौल क्या है चाचा? माहौल बहुत बढ़िया है। किसके फेवर में? अख्तरुल ईमान का, पतंग छाप जीत जाएंगे जी, हालात अच्छे हैं उनके लिए इंशाल्लाह, अच्छा हालात है। कांग्रेस का कोई है नहीं है क्या? माहौल माहौल पतंग छाप यहाँ पक्का, पूरा बहुमत से जीतेंगे, पूरा बहुत वोट आएंगे, पूरा कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा। काम किया है कांग्रेस? काम किया है ना, क्या किया है? तो ओवैसी साहब क्या काम किया है इधर यहाँ पे? दो काम बता दीजिए इसका ओवैसी का। चार विधायक उसका भाग चुका है यहाँ से, विधायक भागे ना, क्या काम करेगा? अरे कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस जीतेगा। हमारा ये कहना है कि आपने कहा है कि कांग्रेस जीतेगी, इनका कहना है कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, इनका कहना है कि दो काम ऐसे गिनाइए जो 5-6 साल में बोलने दीजिए जो कांग्रेस के सांसद महोदय डॉक्टर जावेद ने किया हो, इनका इतना सा सवाल है, इसका जवाब ये मांग रहे हैं।
जबर एक बार उसको जिता करके हम देख चुके हैं, चार ओबीसी साहब को, अख्तर इमाम को चार विधायक उसका भाग चुका है यहाँ से। अरे भाई कांग्रेस एक कांग्रेस का तो 8000 नेता भाग गया इसका, किधर से 8000 नेता भाग गया उसका, कांग्रेस का मुख्यमंत्री तक भाग गया। हम हमारा अधिकार हम कांग्रेस को वोट देंगे, ठीक नहीं काम गिनाने बोल रहे हैं, हमारा अधिकार हम कांग्रेस को वोट देंगे। आप दीजिए, सबका अपना अपना अधिकार है, इनका कहना है कि कांग्रेस आप कह रहे हैं ना, हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्या तो काम कर रहे हैं, काम उसको कुछ पता ही नहीं है, क्या किया इसको पता कुछ नहीं है, अख्तर इमाम साहब क्या बहुत कुछ किए हैं, अभी तो क्या काम पता नहीं था, आपको एमपी बनाए हैं नहीं ना, और बनेगा जब तो आप बताइए। हाँ काम कितना, काम गिराना पार नहीं है, अपनी बात को रखिए, हल्ला गुल्ला में बात बात दब जाएगी, वक्त जाया हो जाएगा। हजरत को मालूम है लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, जो काम किए हैं नली गली का, आज किसी मास्टर को बोल रहे हैं। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, देश की नीति बनती है, सरकार सरकार बनती है सर, पार्लियामेंट में लोग बनते हैं, वहाँ पे हेड प्रधानमंत्री होता है, आज प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है सर, वहाँ देश की नीतियाँ बनती है, लोकसभा के मुद्दे अलग विधानसभा के अलग होते हैं, तो यहाँ लोग विधानसभा के बोल रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन के मुद्दे बोल रहे हैं, आप पार्लियामेंट के बारे में का कहना है कि अगर ओवैसी साहब के उम्मीदवार अख्तर उल इमान जीतेंगे लोकसभा तब उस वक्त का मुद्दा अलग होगा, ये कह रहे हैं। हम पब्लिक ये मैं चाहता है कि क्या काम करेगा अख्तर उल इमान, ये जवाब चाहिए हमको, ये करेंगे तो आप इधर आ जाइएगा, चलिए चाचा आप देखिए आपके लिए, लोकसभा में जाके काम क्या करेंगे, अखिलियत की आवाज को उठाएंगे, कुछ नहीं होता है।